चंद्र ग्रहण 5 मई की शाम को लगने जा रहा है। इस साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण। भूल कर भी मत कर देना यह 5 काम, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। और इतना ही नहीं, चंद्र ग्रहण का असर आपके नाम और आपकी राशि पर कैसा पड़ेगा, क्या आपके नाम और राशि में यह चंद्र ग्रहण शुभ रहेगा या अशुभ, सभी 12 राशियों पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव कैसा रहेगा, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ऐसे में बीच में बंद कर देने की गलती भूल कर भी मत कर देना, नहीं तो जिंदगी भर भागे भागे फिरोगे। जी हाँ, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से भी ज्यादा प्रभावशाली यह चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद लगने जा रहा है। और इस साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि 5 मई के दिन ही बैसाख पूर्णिमा और बुध पूर्णिमा है, और ठीक आधी पूर्णिमा की रात तक असर रहेगा चंद्र ग्रहण का। तो ग्रहण के बारे में पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जान रहे हैं, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए। आपको बता दें, इस साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण ठीक सूर्य ग्रहण के 15 दिन बाद 5 मई को लगने जा रहा है, और ये दिन काफी खास भी होने जा रहा है, क्योंकि चंद्र ग्रहण वाले दिन बैसाख पूर्णिमा के साथ ही बुध पूर्णिमा भी आ रही है। और आपको बता दें, ये चंद्र ग्रहण 5 मई को ठीक रात 8:45 से शुरू होगा, जो कि करीब रात को 1 बजे तक रहेगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण करीब 4:15 का होगा, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण के ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, और सूतक काल शुरू होते ही सभी धार्मिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं। चलिए जान लेते हैं मित्रों, चंद्र ग्रहण के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण की जो घटना है वो बहुत ही अशुभ मानी जाती है। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के मौके पर आखिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान ना तो भोजन बनाना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए, दोनों के लिए ही वर्जित बताया गया है। उसके अलावा चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना भी नहीं करनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय भूल कर भी पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। उसके अलावा घर में जो गर्भवती माताएं बहने हैं, उनको चंद्र ग्रहण के दिन घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। और साथ ही चंद्र ग्रहण के मौके पर महिलाओं को चाकू, कैंची, छुरी, धारदार या कोई भी नुकीली चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और न ही सिलाई वगैरह करनी चाहिए। उसके अलावा भूल कर भी पति पत्नी या लड़का लड़की चंद्र ग्रहण की रात शारीरिक संबंध नहीं बनाए। अगर यह गलती कर दी तो जिंदगी भर भागे भागे फिरोगे, जिंदगी भर पछताते रहोगे। चलिए जान लेते हैं कि फिर चंद्र ग्रहण के दिन आखिर क्या करना चाहिए। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। तो इसी के साथ ही कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि इस बार चंद्र ग्रहण के जस्ट अगले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाएंगे और उसको जगह जगह घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमाकर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, गौ माता को भरपेट भोजन कराया जाएगा। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। मित्रों, अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए जो भी आप सहयोग करना चाहो, आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 11 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है, और बदले में आपको साक्षात माता लक्ष्मी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा,
वो आपको इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं मित्रों, चंद्र ग्रहण के दौरान आखिर क्या करना चाहिए। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले खाने पीने की जो भी चीजें हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें। उसके अलावा चंद्र ग्रहण शुरू होने से लेकर खत्म होने तक भगवान का नाम जपते रहें और मन में ओम नमः शिवाय का जाप करें। चंद्र ग्रहण के समय के दौरान रात को 8 बजे से लेकर 1 बजे तक भूलकर भी सोना नहीं चाहिए और ग्रहण खत्म होने के बाद घर की साफ सफाई जरूर करें और पूरे घर में गोमूत्र, गंगा जल या कच्चे दूध का छिड़काव करें और चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करें। उसके अलावा ग्रहण खत्म होने के अगले दिन जरूरतमंद लोगों को दान जरूर दें। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान किया गया दान कई गुना ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है और इसका फल भी आपको बहुत ही जल्द प्राप्त होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान कौन कौन सी राशियों की किस्मत चमकने वाली है, कौन कौन सी राशियां भाग्यशाली रहने वाली है। मित्रों, सबसे पहले नंबर पर आती है मेष राशि। जी हाँ, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों, ये साल 2023 का सबसे पहला चंद्र ग्रहण मेष राशि के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित हो सकता है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान आप अपने काम में दृढ़ निश्चयता बढ़ाएंगे और दोस्तों चंद्र ग्रहण के बाद आपको काम में भी उन्नति देखने को मिलेगी, आपका कारोबार तरक्की करेगा। जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और नौकरी करने के नए नए अवसर भी प्राप्त होंगे। अगर दोस्तों मेष राशि वाले पार्टनरशिप में के भी काम करते हैं तो उनके काम में इस साल जरूर सफलता मिलेगी। आप 2022 की तुलना में 2023 में अच्छा सा प्रॉफिट कमा पाएंगे। और मित्रों, साल 2023 का जो पहला चंद्र ग्रहण है वो मेष राशि वालों का भाग्य उदय लेकर आएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में तरक्की मिलेगी और आपको पदोन्नति होने के योग भी बन रहे हैं। चलिए जानते हैं दूसरी भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा देनी होती है। कुंडली बनाकर आप ये जान पाओगे कि आपका जीवन में भाग्य उदय कब होगा, नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, कौन सा व्यापार आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फल देने जा रहा है, आपके बुरे दिन कब खत्म होंगे, आने वाले सालों का राशि फल कैसा होगा, आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, कौन से देवी देवताओं की पूजा करना कुंडली के अनुसार आपके लिए भाग्यशाली है, तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मात्र 251 रुपए की फीस जो कि दक्षिणा के रूप में होती है उसी के साथ गुरुजी आपको अपनी कुंडली रिपोर्ट में सब कुछ बताना जा रहे हैं। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जल्द से जल्द आप व्हाट्सएप पर संपर्क करके गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के विषय में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जैसे कि आपको व्यापार में नुकसान जा रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, आप कई बार दोस्तों विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं, रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं दूसरी जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो आती है सिंह राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मो मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों, 5 मई के दिन लगने जा रहे साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है ना उसका प्रभाव सिंह राशि वालों पर बहुत ही अच्छा और शुभ रूप से दिखाई दे रहा है। यह समय नया कार्य शुरू करने के लिए अच्छा माना जा रहा है और साथ ही इस अवधि में जो भी आपके कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं ना उसमें आपको सफलता मिलेगी, धर्म और कर्म के काम में रुचि बढ़ेगी और आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो सकता है, परिवार के लोगों में दोस्तों अनबन जो दूर होगी और अगर आप अविवाहित है तो विवाह होने का योग भी बनेगा। चलिए जानते हैं तीसरी और अंतिम जो भाग्यशाली राशि वो आती है मकर राशि।
जिनके नाम का पहला अक्षर बो जा जी खी खू खे खो गा और गी से शुरू होता है उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों मकर राशि के लोगों के लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही शुभ माना जा रहा है। चंद्र ग्रहण के दौरान आपकी पदोन्नति यानी कि प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं और साथ ही कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव परिवर्तन आ सकता है। प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदारी करने की योजना भी बन सकती है। व्यवसाय यानी कि बिजनेस के क्षेत्र में जुड़े लोगों को भी इस दौरान लाभ मिलेगा। अगर आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आपके लिए तरक्की के योग खुलेंगे। तरक्की के रास्ते जो यहाँ पर एकदम से सामने आते जाएंगे। साल 2023 आपके लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर आएगा। अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है तो इस साल कर्ज से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों